powered by Zepe. हमने सर जो टर्म्स कई बार ही हम ये सुनते हैं कि टर्म्स इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन, तो ये कितने प्रकार की होती है और ये आप इन टर्म्स को अगर एक्सप्लेन कर सकें कि व्हाट इज इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन और इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए पहली बात, आप इन टर्म्स को जब समझना चाहते हैं तो आप एक बात समझिए कि जब हम एक मनी सिस्टम की बात करते हैं तो मनी सिस्टम का मतलब ये है कि उस सिस्टम के अंदर पैसा कौन पैदा कर रहा है और किस गति से पैदा कर रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें उस फैक्टर के साथ जुड़ी होती हैं। पिछले लगभग 60-70 सालों से हम एक सेंट्रलाइज्ड वेलफेयर इकोनॉमीज के अंदर हमारा विकास हुआ है, जहां पर डेवलपमेंट की ज्यादा जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास रही है। ठीक, अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट्स को इस बात का बहुत भारी ख्याल रखना पड़ता है कि किसी भी चीज की महंगाई जो है वो इतनी ज्यादा ना हो जाए कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल जाए, और ना केवल किसी एक चीज की बल्कि जो जनरल प्राइस लेवल है चीजों और सर्विसेज का वो एक नॉर्मल रेंज में रहे। तो उस नॉर्मल रेंज को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक टारगेट बना लिया इन्फ्लेशन कि भाई हिंदुस्तान के अंदर अगर 5% इन्फ्लेशन है तो वो मैनेजेबल है, पर अगर 8 या 10% है तो वो ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, लगभग 400-500 से लेकर 1200 किस्म की डिफरेंट आइटम्स ले ली, उन आइटम्स की एक बास्केट बना ली और हर बास्केट को एक कैटेगरी दे दी और एक वेट दे दिया, उसके हिसाब से उन्होंने एक टोटल प्राइस फ्लक्चुएशन एक एक चीज की कितनी होती है उसको उन सबको कैरी करके उन्होंने एक एवरेज निकाल दी और उस एवरेज को उन्होंने इन्फ्लेशन का नाम दे दिया। जैसे हिंदुस्तान में आज की तारीख में लगभग 5-6% के आसपास इन्फ्लेशन रेट माना जाता है। ठीक, प्रॉब्लम यहां पर ये है कि अगर इन्फ्लेशन थोड़ी है तो वो मैनेजेबल होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक चीज जो आज 100 रुपए की है अगले साल आपको 105 रुपए की मिलती है तो आपकी इनकम भी उस लेवल पर बढ़ती है, क्योंकि सरकार ज्यादा मनी सप्लाई सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करती है तो उस कारण वो जो इंक्रीज होता है वो नलीफाई हो जाता है, तो थोड़ी इन्फ्लेशन लोग माइंड नहीं करते हैं, वो अच्छी भी मानी जाती है। बट थोड़ी इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन और हायर इन्फ्लेशन के बीच में एक फर्क होता है। अब यहां पर दो टर्म्स आती हैं, डिफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। मैं पहले हाइपर इन्फ्लेशन की उदाहरण दूंगा। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि उस सोसाइटी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर पैसा बहुत ज्यादा छप गया है और चीजों की सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है वो कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज आटा 300 रुपए का 10 किलो मिलता है और पैसा बहुत ज्यादा आ गया तो कोई बंदा, हर एक को आटे की जरूरत है, तो जिसके पास पैसा है वो कहेगा यार पहले मुझे चाहिए, तो वो उसका हायर प्राइस लगा, वो कहेगा कि मुझे 400, मैं 400 रुपए देने को तैयार हूं, तो वो अचानक जो 300 रुपए की चीज थी वो 400 रुपए में हो जाएगी। तो ये एक तरह से हाइपर इन्फ्लेशन की एक उदाहरण होगी। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर हाइपर इन्फ्लेशन हुई है, जैसे कुछ साल पहले जिम्बाब्वे के अंदर इतनी ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी कि लोग बोरी भर के करेंसी नोट लेके जाते थे और सिर्फ एक डबल रोटी खरीद के लेके आते थे। ये बात इवन दो विश्व युद्ध जब हुए उनके बीच का जो फेज था जर्मनी का, उसमें जर्मनी में भी ऐसा हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास रशिया के अंदर भी ऐसा हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन, और इवन आजकल वेनेजुएला के अंदर भी ऐसा हुआ है, अर्जेंटीना के अंदर भी हाइपर इन्फ्लेशन आई है। सी, जब भी हाइपर इन्फ्लेशन आती है तो सबसे बड़ा जो एंकर है सोसाइटी का, इकोनॉमी का, जो गिरता है वो है प्राइस सेटिंग। अगर किसी चीज का प्राइस ही पक्का नहीं है तो उसको ना आप सही तरीके से खरीद सकते हो ना ही आप बेच सकते हो।
क्योंकि प्राइस के बिना एक्सचेंज नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए आप किसी चीज को पैदा करते हो, आपको लगता है कि कल को इसका प्राइस डबल हो सकता है, तो आप आज उसको बेचोगे ही नहीं, आप कहोगे मैं कल ही बेचूंगा। अगर मान लीजिए उस चीज का प्राइस कल को घट जाएगा, तो आप कहोगे मैं आज ही बना के आज ही बेचूंगा, कल मैं बनाऊंगा ही नहीं। ठीक। तो जब एक चीज का दाम जनरल प्राइस लेवल लगातार कम हो रहा है, तो वो डिफ्लेशन हो जाती है। तो जब डिफ्लेशन आती है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कहता है मुझे पैदा करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगले दिन इसका दाम कम हो जाना है, तो मैं क्यों पैदा करूं। तो वो प्रोडक्शन एक्टिविटी एकदम से कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज हो जाती है। और जब हाइपर इन्फ्लेशन आती है, तो जो बायर है वो जब बाय करना जाता है, तो देखता है कि उसके पास जितने पैसे थे चीज उससे ज्यादा महंगी हो गई। और दूसरा जो सेलर होता है वो रोक रोक कर बेचता है, वो कहता है कि कल को ज्यादा भाव पर बिकेगी। तो हाइपर इन्फ्लेशन भी खराब होती है और डिफ्लेशन भी खराब होती है। इन्फ्लेशन मॉडरेट रहे वही ठीक होती है। जैसे अलग अलग देशों के लिए इन्फ्लेशन के टारगेट्स अलग अलग होते हैं। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कहा जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, कि वहां पर अगर 2% के आसपास इन्फ्लेशन है तो वो मैनेजेबल है, वो अच्छी मानी जाती है, बुरी नहीं मानी जाती। और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर 4-6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन रहे तो उसको मैनेजेबल माना जाता है। बट आज की तारीख में हम एक ऐसे कगार पर आ गए हैं जब मॉडरेट इन्फ्लेशन मैनेज कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? दो कारण हैं। अगर सरकार नए नोट छापती है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बड़ा हुआ है, स्टेट्स को जीएसटी कंपनसेशन देना है, तो अब ये सारी जरूरतें कैसे पूरी करेगी? उधार लेना पड़ेगा फ्यूचर से, एक तरह से सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है नई करेंसी नोट छापेगा। तो जब वो नए करेंसी नोट छापेगा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा आएगा। तो जब ज्यादा पैसा आएगा, तो बहुत संभावना है कि अगर पूरी इकोनॉमी में नहीं, तो कम से कम कुछ सेक्टर्स के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए, और कुछ सेक्टर्स के अंदर हो सकता है, अगर मान लीजिए सरकार नोट नहीं छापती है और लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने को, तो इसका मतलब है कि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो जो प्राइसेस हैं वो डाउन जाने शुरू हो जाएंगे, वो डिफ्लेशन की तरफ चला जाएगा। और हिंदुस्तान एक और बहुत भारी समस्या के अंदर जा रहा है, जिसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन का जो सबसे भयानक रूप है उसको कहते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है एक तरफ स्टैगनेशन और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन। स्टैगनेशन का मतलब ये है कि जब बैंक कंगाल होने शुरू होंगे, जब कंपनियां बंद होनी शुरू होंगी, तो आज आपको आपकी कंपनी बंद होगी तो आपको नया धंधा शुरू करना चाहते हैं तो बैंक आपको कर्जा नहीं देगा। तो जब इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगी तो इकोनॉमी स्टैगनेट करना शुरू हो जाएगी, तो होगी स्टैगनेशन। तो पर दूसरी तरफ क्योंकि सरकार ने नए नोट छाप दिए हैं और वो और बैंकों बैंकिंग सिस्टम में है, तो वो मार्केट के अंदर चीजों के दाम बढ़ाने शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से नोटिस करें, अगर आप पिछले 4-6 महीनों का केवल ग्रोसरीज का सेटअप देखें, आप अपने घर के अंदर ये कैलकुलेट करके देख लें, आप अपने घर में ग्रोसरीज की लगभग 60 आइटम्स ढूंढें और उन 60 आइटम्स का पिछले 6 महीनों में प्राइस लेवल आप चेक करें, तो आप पाएंगे आपका घर का 6 महीने में ग्रोसरी बजट 20% बढ़ गया है। तो एक तरह से हिंदुस्तान जो है वो स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है। और ये मनमोहन सिंह जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं दो टर्म्स 2004 से लेकर 2014 तक, उन्होंने ये चेतावनी 2019 में दे दी थी कि हिंदुस्तान स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है। और कोरोना वायरस ने उस तरह की हकीकत को पॉसिबल कर दिया है। तो हिंदुस्तान हो सकता है ये स्टैगफ्लेशन कभी भी इसकी मार को झेलने पर मजबूर हो जाए। राइट सर, राइट।